आज मैंने बनाया है बैंगन कढ़ाई मसाला। ये बैंगन की कढ़ाई मसाला इतनी स्वादिष्ट थी, पूरी खाली हो गई और मन भी नहीं भरा, और कल मैं फिर से यही बनाऊंगी। बैंगन को अच्छे से धो के इसको लंबे लंबे पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे और साइड में रख देंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अभी कढ़ाई मसाला के लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे। मिक्सी जार में मैंने लिया है 1 चम्मच की मस्टर्ड, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, 2 टमाटर, 1 प्याज, 2 ग्रीन चिली, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और पानी डाल के मैंने अच्छे से पीस लिया है। मसाला को साइड में रख देंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड, कड़ी पत्ता, रेड चिली डाल के फ्राई कर देंगे। फिर ओनियन डाल के फ्राई कर देंगे। ओनियन फ्राई होने के बाद मसाला डाल देंगे। मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1-1 चम्मच और सबको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद अभी डाल देंगे फ्राई किया हुआ बैंगन। फ्राई बैंगन और मसाला को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी, लगभग 1/2 बाउल पानी यहाँ पे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद कवर निकाल देंगे और थोड़ा सा इसे अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। टेस्टी टेस्टी बैंगन कढ़ाई मसाला हमारा बन गया है। राइस और दाल के साथ बैंगन मसाला एंजॉय कीजिए। एक बैंगन मसाला बना लेंगे लंच के लिए और दूसरे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप एक बार बनाइए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मसाला और बैंगन कैसे अच्छा दिख रहा है और देखने से भूख बढ़ गई है। थैंक यू, बाय बाय।